See, Everton is just going through a mini crisis. They've lost three games in a row after being number one for few game weeks. And Fulham, as we know, in fact, in the last game also, they missed a last-minute penalty to draw the game against West Ham United. So Fulham, even though they won a game before this game week, they look very, very short on confidence. And in fact, Everton is also not playing their best game, even though they would welcome Richarlison in this game. I believe it would be a very tight affair, and I'm going for a 1-0 Everton victory. So, Rajat, who would be your Dream 11 differentials in this game? आज देखिए फुलम की तरफ से लुकमैन जो हैं काफ़ी अच्छे लगे हैं देखने में, ऑल्दो उन्होंने एक पेनल्टी मिस किया था बीच में अभी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर वी सीन फ्रॉम हिम हैज़ बीन प्रीटी गुड. हिज वार स्कोर ऑन ड्रीम इलेवन पोटेंशियल इज़ वेरी हाई, तो ऑलमोस्ट 8 to 10 चांसेस अभी तक क्रिएट कर चुके हैं. कि फुलम आर गोइंग टू स्कोर गोल्स, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेज है कि मिट्रोविच विल स्कोर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक यू नीड टू पिक देयर कीपर बिकॉज दे आर प्लेइंग एवर्टन एंड एवर्टन विल यू नो टेक सम चांसेज एंड दे विल ट्राई टू स्कोर गोल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट Mitrovic, Zambo Anguissa, Lookman, and also you can give a look ahead to, you know, Joe Bryan. ये मेरे ख्याल से आप इन प्लेयर्स को अपनी टीम में फुलम की ओर से ले सकते हैं. कमिंग टू एवर्टन, आई थिंक एवर्टन एज यू राइटली सेड हैव गॉन ऑफ द बॉयल इन द लास्ट 3 or 4 मैचेस. स्टार्ट बहुत ही अच्छा किया था उन्होंने एंड आमेज रॉड्रिगेज वॉज रनिंग द शो. तो आप वो भी देखेंगे कि उसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि एवर्टन के केस में ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज हु हैज़ द हाईएस्ट वार पोटेंशियल. अपार्ट फ्रॉम दैट बर्नार्ड ने लास्ट गेम में एक स्कोर किया था यूनाइटेड के अगेंस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो यू नो क्रिएटेड 5 or 6 चांसेज ऑलरेडी. तो बर्नार्ड को यू कैन गिव अ लुक इन इफ ही स्टार्ट्स, क्योंकि अभी कार्लो एंचेलोटी किसको स्टार्ट करेंगे यू इट्स नॉट श्योर. अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए कॉमन पिक्स हैं, गिल्फी सिगर्टसन शुड बी इन योर टीम, डोमिनिक कैलवर्ट लुइन शुड बी इन योर टीम, लुकस डीनिया इफ ही स्टार्ट्स ही शुड बी इन योर टीम. अपार्ट फ्रॉम दैट रिचार्लिसन आई थिंक शुड नाउ बी कमिंग बैक फ्रॉम द सस्पेंशन. जब भी वो सस्पेंशन से वापस आते हैं सो यू If he starts in this match, then you can pick him. Otherwise, Richarlison, आपकी automatic selection team में होने चाहिए.